अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारा नाम आ गया मिथी शर्मा सेकंड पोजीशन। कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इनका पेपर चेक करवाना है। पेपर में कोई गलती नहीं है, कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। भैया क्या बोले, सबको अपनी मेहनत का फल मिलता है और खुद दुबे जी की मेहनत का फल लेगा। भैया आज तो पार्टी बनती है। हाँ हाँ, पहले लाओ फोन तो लाओ, बाबा से बात कर ले, उनको तो बता दे। जी भैया। हेलो बाबा, कैसे हैं? अच्छा सुनिए, परीक्षा का रिजल्ट आ गया, हम फर्स्ट आए हैं। जीता रहे हमारे बच्चे, जीता रहे। तुझे पता नहीं तूने आज हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। हमारा बेटा अपने दम पर फर्स्ट आया है। अच्छा सुन, वो राकेश की बेटी ने एग्जाम से पहले तेरी मदद की थी क्या? हमने आपको पहले ही कहा था, कहाँ कोई लड़की हमारी मदद करेगी। हम लड़की से मिले ही नहीं, खुद दिए हैं सब कुछ। हम अपने बाबा की तरह आत्मनिर्भर जो है। जीता रहे राणा। अरे तेरी माँ तो सुबह से ही तेरे लिए पकवान बनवाने में लगी हुई है, मैं उसे भी खबर कर देता हूँ, तू जल्दी से घर आ जा। चले रखते हैं। सुमन, दिव्या, बेबी। क्या बात है जमाई बाबू, सब ठीक तो है ना? माँ साहेब, हमारा राणा एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आया है। सच? माँ साहेब, भैया इम्तिहान में अव्वल आया है। चुप कर, इतनी अंग्रेजी तो हमें भी आती है। जय भोलेनाथ, बेबी लव्स फर्स्ट क्लास। वो पिसड़ी एग्जाम में फर्स्ट आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ है। मैं आपको फोन करता हूँ। अच्छा फिर क्या? बाबा का नाम सुनते ही दुबे जी हाथ जोड़ लिए, उन्होंने लिखा हमारा पेपर। सॉरी भैया, पर आपको ना ये नहीं करना चाहिए था। सही बात भी बोल रहे हो, फिर सॉरी ये बोल रहे हो। देख लच्छू, बाबा का सपना था कि हमारे इस कॉलेज में दाखिला हो जाए, अब भोले का नाम लेकर खाई में कूद तो जाए। हड्डी टूटे तो टूटे, पर बाबा का ये सपना टूटने का रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए जब ये फुटकर ने ये सब जब किया ना, तो हमें जुगाड़ बैठाना पड़ा यार। चल ठीक है, ये रखते हैं, शाम को घर में मिलते। राकेश, राकेश मुंह मीठा करो, हमारा बेटा राणा एंट्रेंस एग्जाम्स में फर्स्ट आया है। मेरा बेटा अव्वल आया, चलो ये मनहूस मीठी कुछ काम तो आई। जरूर जरूर बड़े साहब, इसके लिए तो हम बहुत सारा मुंह मीठा करेंगे। अच्छा बड़े साहब, आपका ना एक यहाँ साइन चाहिए था पेपर पर। आजा मेरी छोटी चिड़िया। नानू, राणा मामा तो हमेशा फेल होते, इस बार फर्स्ट कैसे आए? प्रिंसी, ऐसे नहीं बोलते गुड़िया। अच्छा बड़े साहब, हमने कहा था ना कि हमारी बेटी कुंवर जी की इतनी मदद करेगी कि कुंवर जी उससे भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन राणा ने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी राणा को मिली नहीं। कोई बात नहीं, अब दोनों एक ही कॉलेज में जाएंगे, वो आगे उसकी मदद कर देगी। हमरा बेटा खुद पढ़कर अव्वल आया है, लगता है होशियारी में बाप पर गया है। बहुत खुश दिख रहे हैं जीजा जी। मधु भाभी लीजिए, मुंह मीठा कीजिए।
बड़े साहब। चुप। जबान संभाल के बहुरिया। हमने खुद लच्छू को राणा से बात करते हुए सुना है। भैया आप भी ना गलत काम करते हो, उसकी भी आप सही वजह ढूंढ लेते हो, लेकिन भैया आपको एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है भैया, मिलते हैं घर पे। अच्छा तो ये वजह है राणा के फर्स्ट आने की। अभी बताती हूँ सबको। पर इसमें हैरानी की क्या बात है? धोखा देना और दूसरों का हिस्सा रख लेना, ये तो आप लोगों के खून में है ना। बस कीजिए भाभी। क्या हुआ जीजी? सच बुरा लग रहा है? हमें भी बुरा लगा था जब जीजा जी को ये कारोबार और जायदाद माँ साहब ने थाली में सजा कर परोस के दे दी थी। इन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस घर जमाई बनके ससुराल में पसर गए। अरे जब इन्होंने फली नहीं फोड़ी तो राणा मेहनत करके फर्स्ट कैसे आएगा? बाप आलसी और बेटा महा आलसी। एक चाटा खाई हो ना तो अब चुप हो जाओ। बहुत खूब मासा, बहुत खूब। आप लाडे राणा को बिगाड़ के रखा है, आपने हमारा हक छीन के जीजा जी को दे दिया। वैसे ही उनके बेटे ने बाहर वालों से अपना हक छीनना चाहता है। वो फर्स्ट तो बाहर वाले छात्रों को आना चाहिए था, उनको तो कुछ बोलिए, बोलिए ना, अपना कमाल दिखाइए मां साहब। अगर हम अपना कमाल दिखाएंगे ना तो ना दिखाए उसमें तुम्हारी भलाई है। मां साहब हम बोलेंगे कैलाश, हम कॉलेज वालों को फोन करके सब कुछ सच बता देंगे और उनसे विनती करेंगे कि वो राणा का एंट्रेंस एग्जाम दोबारा ले और इस बार राणा एग्जाम खुद देगा। तो फिर यही कमाल होगा। उस मनहूस ने मेरे बेटे को पढ़ाया नहीं ना, इसलिए उसे चीटिंग करनी पड़ी। हमें तो सब स्कूल में भी मीठी टॉपर शर्मा बुलाते थे, हम कॉलेज में सेकंड कैसे? बाबूजी, बाबूजी को बोलते हैं, शायद वो स्टेट बोर्ड के खिलाफ कुछ करे। बाबूजी, मैंने कहा था तुझसे कि कॉलेज जाकर बड़े साहब के बेटे की मदद करनी है पढ़ाई में, उतना भी नहीं हो पाया तुझसे, अब तेरी वजह से मेरा बेटा फेल हो गया। बाबूजी चुप, मेरा मतलब है बड़े साहब का बेटा फेल हो गया। बाबूजी वो आज मिले नहीं हम। वाह वाह वाह, क्या जिंदगी है, एक काम दिया था एक काम, वो भी ना हो पाया ना तुझसे। मौका ही नहीं मिला बाबूजी, क्योंकि चूंकि एक बदतमीज लड़के ने। चुप चुप हो जा और कान खोल के सुन, राणा बेटा दोबारा से परीक्षा देने वाला है और इस बार अगर तूने उसकी मदद नहीं की और वो पास नहीं हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना मीठी। अरे गूंगी बन के काहे बैठी है, सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने तुझे राणा का नंबर भेज दिया है, इसी वक्त उसे फोन कर,
समझ गए? जी। कहाँ जिंदगी है? जी बाबा। राणा, हमें पता चल गया है कि तुम फर्स्ट कैसे आए हो, इसलिए तुम दोबारा एंट्रेंस एग्जाम दोगे। हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हें इज्जत कमाते हुए देखना चाहते हैं, पर इज्जत कमाने का रास्ता मेहनत और वक्त मांगता है, अपनी खुद की मेहनत। और तुमने अपने एंट्रेंस एग्जाम अपने ही टीचर से? नहीं बाबा। राणा, तुम्हारी शादी होने वाली है, मेनका और उसके परिवार वालों को जब तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तब, पड़ोस पड़ोस के लोगों को जब ये बात पता चलेगी तो वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? उनका सामना कैसे करेगा तू? राणा, तेरा बाप आज भी हर रोज दफ्तर जाता है, सुबह से लेकर रात तक मेहनत से काम करता है, तब कहीं सर उठा के घर वापस आता है, और आज तेरी वजह से मैं अपने सर को उठा नहीं पा रहा हूं। बाबा, सब उस चुकलखोर लड़की की वजह से हुआ है, खजूर कहेंगी। हेलो। हेलो राणा, वो आपके पिताजी ने हमारे बाबूजी को कहा था कि हमें पढ़ाई में आपकी मदद करनी है। आ तो फोन पर ही दे दूंगी का, कॉलेज के बाहर खड़े हम, आ जाओ। बुलाया तो यही था। ये राणा है? दूसरों की आंसर शीट से कॉपी करने वाले काफी देखे थे, लेकिन जिंदगी में पहली बार किसी की पूरी आंसर शीट चुराने वाला देख रहा हूं। हमारे बाबा ने तुम्हें भेजा है। हमारा नाम मीठी है। नया मैटर है बे। देखो, तुम्हारा नाम मीठी हो या कड़वी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने ये चुन्नी संभालो और घर जाओ। हम आपकी नौकर नहीं है। तुम जैसों को हम नौकर बना के रखते भी नहीं है। काहे तुम पर टाइम पर बात कर रहे हैं यार, जाओ घर जाओ। इस सवाल का जवाब भी ना खुद सोच लो, कभी हम विसर को बुलाएं। हमारे सामने जरा बड़बड़ मत करो, ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि बड़े यार सबक सिखा। ए, ए, जोर से बोलो। हाँ, घर जाओ। इसी लड़की के बारे में बोल रहे थे ना? हाँ। बोला था? किसने बोला था? क्या बोला था? गंगा की धार की रफ्तार से भाग ले मीठी। चल 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 चल।
आप लोगों को किसने भेजा है? यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम सोच भी नहीं सकती हमें किसने भेजा है। कहीं से राणा ने तो नहीं? हे गंगा मैया, अब क्या करोगी? हिम्मत, देखो हमसे दूर चले जा रहा, हमारी तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना। और आज न कसम है, आज गंगा में बाढ़ आ जाएगी। सब दूर हो जाओ। डर के मारे सुन मत पड़ मीठी, हाथ पांव चला, कुछ तो कर। हर कंगे के भाग रही है। अरे इसे पकड़ो ना, ये तो इसको छुड़ा के मैं इसकी नजरों के सामने हीरो बनूंगा। अरे यार तभी तो मेरा प्लान कामयाब होगा। ये तो तुम्हारे बस काम हो जाना चाहिए। हे गंगा मैया, ये लोग आ भी गए। स्पीड बढ़ा मीठी। लड़कियां जिद करती हुई अच्छी नहीं लगती। और आप ये सब करते हुए अच्छे लगते हैं। का सब? देखो ना, हमें तुमसे बात करने का शौक है और ना मेरे पास टाइम है। ओढ़ो इसे ना, आप ही ओढ़ लीजिए। और देखना, हमारे पास मत आना। हम कह रहे हैं। सुनो लड़की, हमारा नाम मीठी है। पौड़ा गई हो का? हाँ, घर जाओ पागल लड़की। अच्छा तो इनके वजह से भाग रही थी। वो लड़की कहाँ गई? अपने घर। तुम भी अपने घर जाओ।
बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? लेडीज के पीछे भागते भागते थक गए होगे, कुछ खा के जा। लड़की को छेड़ने का बहुत शौक है ना। तू कौन है बे? बोले के भक्त है हम, उनका तीसरा नेत्र। अब तीसरा नेत्र खुली गया है तो मारेंगे ही।